यमुनानगर में आज SSC की परीक्षा दी जा रही है, कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, कितनों ने अपीयर किया है, क्या है स्थिति? हमारे साथ मौजूद हैं DC यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी। सर आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर कितने परीक्षार्थी थे पहले टर्म, कितने आप दोबारा में कितने आए हैं? देखिए आज जो SSC एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है उसमें हमारे यमुनानगर जिले में 41 जो सेंटर्स बने थे और करीबन 11,760 जो है उसमें उपस्थित होने की संभावना। जो पहला सेशन हमारा हुआ है उसमें 25% जो है कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो 3,017 जो कैंडिडेट्स थे फर्स्ट सेशन में अपीयर हुए। सेकेंड सेशन में अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई है वो नंबर इसके आसपास है, थोड़े से घटा ही है। तो अभी हम लोग जो है जिला प्रशासन जो है वो हम लोग विभिन्न सेंटरों के राउंड भी ले रहे हैं और इंश्योर करें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। और जो पहला सेशन है बड़ा स्मूथली निकला और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेकेंड सेशन का जो है हम लोग जल्दी कंडक्ट करेंगे सक्सेसफुल। सर कोई टॉकिंग या किसी तरह की कोई शिकायत वगैरह, कोई शिकायत आई हुई या कुछ ऐसा कुछ? नहीं नहीं, थोड़े बहुत जो इनिशियली पेपर बायोमेट्रिक है उसके थोड़ी इशू आ रहे थे, जानकारी इशू आ रहे थे, बट वो है रिजॉल्व करा दिए गए और परीक्षा जो टाइमली तरीके से हमने शुरू करा के संपन्न भी करा दिया। और अभी सेकेंड सेशन जो है इसका वो अंडर वे, उसके लिए भी अभी तक जो है हमारा प्रोसेस 30 सब जगह सेंटर्स पर आरम्भ हो चुका है। सर क्या कट मानते हैं कि केवल 25% विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं? देखिए इसमें एक तो ये जो परीक्षा हो रही है ये पिछली बार जो परीक्षा थी उसकी कंटिन्यूशन में ही हो रही है, इस बार नए फॉर्म कोई नहीं भरे गए थे, तो उसी चक्कर में हो सकता है कि नए कैंडिडेट्स क्योंकि नए फॉर्म भरे तो कल से थोड़ी कम हो सकती है चक्कर, पर बाकी जो है एक बार थोड़ा हम लोग भी फिक्र लेंगे इसमें क्या कारण। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है SP यमुनानगर मोहित हांडा जी, उनसे भी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ट्रैफिक को लेकर किस तरह की व्यवस्था है। जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि लगभग 11,500 से 12,000 के बीच विद्यार्थी इसमें आएंगे और उसी के मुताबिक हमने पूरे जो ट्रैफिक की और सुरक्षा की है फर्स्ट सेंटर्स से पूरे जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इसके साथ ट्रैफिक लाइटर्स भी लाने के लिए और जगह जगह पर नाके भी लगाए गए थे और पार्किंग का भी स्थान जो है चिन्हित किए गए। अभी जैसा कि किसी का मैंने बताया कि एग्जाम स्मूथली चल रहा है, जो पार्टीज हैं वो सभी अपना एग्जाम आई पहुँचती कैंडिडेट्स आए और पहली फेज जो है वो स्मूथली समाप्त हो चुकी है, दूसरे फेज की जो शुरुआत हो चुकी है। यही उम्मीद है कि पूरा एग्ज़ाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ SP मोहित हांडा जी और DC यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि 25% लोग ही अपीयर हो पाए हैं, लेकिन जो परीक्षा केंद्र है सभी जगह प्रॉपर इंतजाम है और प्रशासन का जो विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। क्यों यमुनानगर की बात करें तो हर तरह की उनको सहूलत मिली है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।